आप लोगों ने पतंगें तो बहुत उड़ाई होंगी, पेचे भी लगाई होंगी, और पतंगें उड़ाने के त्यौहार को हम मकर संक्रांति कहते हैं। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या बदलाव होते हैं और इस दिन का महत्व क्या है। पौष के महीने में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, यह 12 राशियों के समूह का एक राशि है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो यह त्यौहार जनवरी के महीने में 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्यौहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व को पूरी तरह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन ही मनाया जाता है, और सूर्य लगभग 12, 13, 14 या 15 जनवरी में किसी एक दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, और इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में माह को दो पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इसी तरह साल को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायण, और जब दोनों को मिला दिया जाए तब एक साल पूरा हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी, इसलिए मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नेगेटिविटी को समाप्त करने का दिन भी माना जाता है। इस फेस्टिवल को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस फेस्टिवल को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं जाते हैं, और शनि मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन पवित्र गंगा नदी का धरती पर प्रवेश भी हुआ था। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने शरीर का त्याग किया था। इसका कारण यह है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है, या पुनर्जन्म के चक्कर से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने वाली आत्माओं को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। और इस त्यौहार में पतंग उड़ाने की परंपरा है, लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर मजे के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने के कंपटीशन का भी अरेंजमेंट किया जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिन कई दिनों तक की छुट्टी रहती है, और यहाँ इस दिन को भारत के किसी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। संक्रांति और सेहत। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता, और इस मौसम में त्वचा भी रुखी हो जाती है, इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए मेडिसिन का काम करती हैं, और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं है वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।